तो देख सकते हैं सुबह का रोड खाली है और सूर्यदेव निकल रहे हैं। सुबह हम लोग इसलिए जल्दी निकल गए क्योंकि सुबह का रोड जो है खाली रहता है, देख सकते हैं आप, इसलिए अपन निकले। हाँ देखो ट्रैफिक भी कम है ना। हाँ अभी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा ट्रैफिक, रुकना पड़ता है। तो गाइस ये है NH 53 हाईवे और अभी अपन निकल चुके हैं हाईवे में, देखते हैं रोड और ये सफर कहाँ जाके एंड होती है। तो देखिए गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर। रायपुर पहुंचते मानी हमको इतने सारे भैंस ने घेर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी मौसी के घर क्योंकि वहां से हम पिकअप करेंगे अपने भाई को, वो भी हमारे साथ जा रहा है घूमने के लिए। तो क्योंकि उसकी भी स्कूल नहीं लग रही है और आप तो सभी जानते हो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसलिए हम लोग सोचे क्यों ना उसको भी ले लिया जाए क्योंकि रायपुर से ही जा रहे हैं अपन, और फिर उसको पिकअप करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर अपनी सफर पे। हमने हमारे भाई को पिकअप कर लिया है मौसी के घर से। अब हम लोग पहुंच चुके हैं NH 53 हाईवे। इस रोड से होते हुए हम लोग जाएंगे आरंग, फिर पता चल जाएगा आपको हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। बहुत ही मस्त सफर पे निकले हैं दोस्तों, बहुत कुछ है बताने के लिए और घूमने के लिए। वो तो जगह है, टूरिस्ट प्लेस है और आप बस वीडियो में बने रहिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा और मजा भी आएगा आपको बहुत ही। ये देखो हमारी बेबी को, बेबी ये क्या कर रही हो आप? सो रही है। हमने सीट बेल्ट भी लगा लिया क्योंकि ये हाईवे है। बढ़िया बेबी सो रही है। बेबी धूप तो नहीं लग रहा इसको? गिरा दूं? गिरा दे दो। पर मैं तो अच्छी की हुई नहीं कि मेरे वहाँ से धूप। ओ दे ओ दे आ गया, देखी मोबाइल से हट रहा है तेरा। तो सबसे ज्यादा हमारी रन्नू खुश है क्योंकि उसको वहाँ पे रील्स बनाने मिलेंगे, है ना रन्नू? पर अभी तक के मोबाइल में नेट नहीं डाला रन्नू के भाई, मेरे को नेट मैं नेट नहीं दूंगा, क्यों दूंगा मैं तेरे को नेट? गाड़ी में बैठ के अभी क्या करेगी, पहले क्या बोलती है पता है? हाँ रुक जा, मैं बता रहा हूँ ना क्या बोलती है कि मैं पहले से ही तू मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर ले, मेरे को उस टाइम मांगना नहीं पड़े और मैं फटाफट फिर वीडियो बना लूँ। अरे तो नेट चालू रखूंगा तो नेट नहीं खपेगा क्या बेवकूफ? आरंग जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक बार आप सिटी के अंदर से भी जा सकते हैं और ये है NH 53 हाईवे, इसलिए हम लोग सोचे क्यों ना सिटी के अंदर ज्यादा कंजेस्टेड रहेगा और जो है ना सिटी के अंदर गाड़ी रुक रुक के चलती है इसलिए पेट्रोल भी हमारा ज्यादा जल जाएगा, इसलिए हम लोग सोचे क्यों ना सिटी के बाहर से चलते हैं NH 53 हाईवे से। हमने अपनी प्लेस चेंज कर दी, मम्मी चली गई आगे और बेबी और मैं आ गए पीछे। तो दोस्तों अभी हम लोग आरंग पहुंचे हैं। दोस्तों यहाँ राइट साइड में हमें पड़ेगा आरंग का स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और अभी पापा नीचे से ले जा रहे हैं आप सभी को दिखाने के लिए। इधर मुड़ेंगे तब, राइट में मुड़ेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा रेलवे स्टेशन और हमें जाना है सीधा। अभी आपको रेलवे स्टेशन दिखा देते हैं हम। यहाँ पे है आरंग का रेलवे स्टेशन। ये शहर से होते हुए आप अगर शहर से बाहर आएंगे हाईवे की तरफ तो सामने जो रोड देख पा रहे हैं आप इधर, वहाँ पे पड़ेगा आपको आरंग का रेलवे स्टेशन। हम लोग सोचे क्यों ना आपको एक बार रेलवे स्टेशन दिखा दे, अगर आप कभी ट्रेन से आना चाहे तो आप आरंग भी आ सकते हैं, आरंग के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन भी है और उसके बाद कहीं जाना हो तो आप जा सकते हैं। ये देखिए आरंग महानदी, आरंग महानदी स्टेशन। ये देखिए गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे है मेरे आरंग का रेलवे स्टेशन और यार कोरोना के वजह से रेलवे स्टेशन में भी उतनी रौनक नहीं रही पहले जैसे, पर इतने दिनों बाद देखने पे हमें बहुत अच्छा फील होता है, स्टेशन देखने में ही मजा आ जाता है। हम लोग आपने देखा होगा हम लोग गए थे स्टेशन, लेकिन वहाँ पे क्या था कहीं पे भी जाने के लिए आजकल रिजर्वेशन लग रहा है और ना कि लोकल चल रही है, तो इसलिए हम लोग सोचे थे कि कहीं बाहर जाते पर कोरोना वगैरह है इसलिए हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाए, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ अच्छा दिखाया जाए। बहुत दिनों से हमारे वीडियो में हम लोग कहीं घूमने नहीं गए और बहुत टाइम हो गया थोड़ा घूमे, तो अभी अपन सोच रहे हैं क्यों ना रेलवे स्टेशन भी आपको एक बार दिखा दें। हम सब अंदर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के। कितने दिनों बाद ऐसा लग रहा है मंदिर की सीढ़ी चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है पुराना रेलवे स्टेशन। आय हाय यहाँ पे ट्रेन भी खड़ी है। वाह दोस्तों क्या मस्त लग रहा है, कोयले वाली रेलगाड़ी, आखिर दिखना भी तो यही था, इससे अच्छा कोई डब्बा दिख जाता। ये देखो यहाँ का रेलवे स्टेशन, ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन में घूमने में ज्यादा मजा आता है। हाँ बहुत दिनों बाद आए हैं अपन रेलवे स्टेशन।
तो ये देखिए गाइस, यहाँ 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, जो कि यहाँ पे पेंट किया जा रहा है और झंडा फहरेगा कल हमारा तिरंगा झंडा भारत का, भारत किसान हमारा तिरंगा झंडा। यहाँ पे देखिए पैनल रूम है, पैनल रूम वो होता है जहाँ ट्रेन की कंट्रोलिंग चलती है। ये देखो ट्रेन चलने भी लग गई यार, मेरे को स्टेशन में खड़े होने पे अच्छी फील आती है पता है। गाइस देखो ट्रेन भी चले गई, ये देखो खाली स्टेशन। हाँ तो चलो अब चलते हैं अपन स्टेशन से बाहर, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, और भी बहुत जगह घूमनी है और आपको दिखाना है, तो मस्ती तो बहुत होने वाली है ब्लॉग में और मजा भी बहुत आएगा। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक के जरूर देखना, और वीडियो पे और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया से अपने सुनहरे हाथों से वीडियो को लाइक कर दो। वहाँ पे लिखा है वैभव प्लाजा, अरे फेमस, पर ये दुकान बहुत छोटी जगह पे है, दुकान बहुत छोटी जगह पे, वैभव प्लाजा है कॉम्प्लेक्स। बाय, मेरे भाई के नाम से चल रहा है, जिसको भी आना हो फ्री में बुकिंग। पापा भी गए हैं डिजिटल, जियो डिजिटल में, वहाँ पे अपना फोन रिचार्ज करवा रहे हैं, वो देखो दिख रहे होंगे आपको टी है वैसे भी। ये देखो सुमित बाजार तक के यहाँ पे, हमने सोचा क्यों ना जब आ ही गए हैं तो माता के दर्शन करते हुए चले और आपको भी दर्शन करा लिया जाए। जस्ट शहर के बीचों बीच में है माता का मंदिर। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे है महामाया मंदिर और जस्ट हमें सीधे में माता रानी दिख रही है। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। चप्पल सबसे पहले रिमूव करना जरूरी है। तो आ गए हम लोग अंदर, कितना सुंदर मंदिर है और क्या सजाया गया है माता के दरबार को पूरे कांच से, नहीं अच्छा दिख रहा है यहाँ, जबरदस्त, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जय माता रानी। बढ़िया से माता के दर्शन भी हो गए और यहाँ पे है आरंग शहर, कैसा लगा एक बार कमेंट में बता देना। अब हम लोग सीधा पहुँचने वाले हैं NH 53 हाईवे पे, वापस अपन टच कर देंगे शहर से अंदर से होते हुए। यहाँ पे पड़ेगा महानदी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आने वाली है बस। तो दोस्तों आ चुकी है हमारी महानदी, सूख गई है ये देखो। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं महानदी के ऊपर और ये देखो मेरे पीछे है महानदी, क्या ही मजा आ रहा है, एक बार सब खड़े हो जाओ तो लाइन से, क्या जबरदस्त दिख रहा है, गजब ही व्यू है यहाँ का। मम्मी आप कैसे आओगी, आप कैसे आओगी, हम लोग तो आ गए यहाँ से चढ़ के, हम लोग बच्चे लोग कूद के आके आ गए। ये देखो गाइस हमारी नहा नदी, क्या ही जबरदस्त थी, आप देखो मैं कहाँ खड़े हो गया हूँ, ये देखो मेरे पीछे है महानदी और इधर है रेलवे ट्रैक जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रही है और यहाँ पे हमारी खड़ी है धन्नो रानी, नहीं पापा की बूम ब्लास्टर। गाइस जब इस पुल पे ट्रक व्रक आती है तब तो ये पुल हिलता है पता है आपको, अरे वाह यार ये हिल रहा है सच में पुल, जबरदस्त, अभी नहीं हिला अभी नहीं हिला, अरे अब जब भारी भारी जो ट्रक रहती है ना उसमें ज्यादा हिलता है, ब्रिज ही नहीं हिल रहा बताओ, वाह क्या बात है यार, मैं कूद के ब्रिज हिला दूंगा। अब चलो चलते हैं लास्ट बार इस व्यू को, बाय बाय, अब चलो चलते हैं हम लोग कार में वापस क्योंकि अभी और भी बहुत जगह जाना है हमको। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं महासमुंद बाग बहरा की रोड की ओर और सामने देख सकते हैं हमने हाईवे छोड़ दिया और नीचे से कट लेके अभी हमको जाना है सीधा, जिससे कि हम लोग पहुंच जाएंगे बाग बहरा महासमुंद। यहाँ से ऊपर से आना था पर हम लोग आगे भाग गए थे ब्रिज के ऊपर से ही। तो यहाँ पे है महासमुंद का रेलवे स्टेशन और इधर है रेलवे फाटक, अब हमें रेलवे फाटक पार करके जाना पड़ेगा। ये देखिए गाइस
यहाँ पे है, वहाँ पे है स्टेशन। अरे ट्रक आ गई, वो देखिए यहाँ पे है स्टेशन पटरी, हमें जाना है लेफ्ट, यहाँ से रोड कट गया एक उधर और एक इधर। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी ट्रेन से गए होगे तो महासमुंद एक स्टेशन भी पड़ता है, तो आप उससे होते हुए गए होगे। एक वीडियो में हमने ये चैलेंज रखा था कि अगर हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी, तो वह अभी बचा ही है, तो 1K करवाओ जल्दी से, और फिर उसके बाद जाना है जगन्नाथपुरी हमको समुद्र में। हाँ, समुद्र में एंट्री करने से पहले आपको खरोरा पड़ता है, ग्राम खरोरा, उसके बाद अब बस अपन महासमुंद पहुंच ही चुके हैं। तो दोस्तों बस हम पहुंच ही गए इतनी सुनहरी रास्ते पे। ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया है यार, क्या बताऊं मैं आपको, मक्खन जैसे गाड़ी चल रही है अपनी, और आजू बाजू हमारे पहाड़ के सीन भी दिखने लग गए चलाने वाले पापा, कभी कभी तो एकदम उछाल ही देते। अब मक्खन नहीं रहा, अब नहीं बोलूंगा मक्खन, पापा चला रहे। तो सामने हमें पहाड़ भी दिखना शुरू हो गया है, अब बस जस्ट पहुंचने वाले अपन। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर करीब, बस 4 किलोमीटर में अपन पहुंच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे भालू का भी दिखेंगे, भालू भी दिख सकते हैं अगर हमारी किस्मत होगी तो, दूर से देखने न मिले, पास ना आए, बस यही बहुत बड़ी बात है। बाजू पहाड़ है, ये घने जंगल के वजह से दिख नहीं रहा है। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं जस्ट मंदिर के पास, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग पहाड़ है बहुत ही ऊंचा, और मंदिर भी जो है वो पहाड़ के ऊपर ही है, तो हमें थोड़ा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, कष्ट भले करना पड़ेगा। और माता रानी का बुलावा है, माता के दर्शन के लिए हम लोग कहीं भी चल सकते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं यहीं पे है जस्ट सीढ़ी, और हमें जाना है चढ़ के, तो चलिए चलते हैं ऊपर।